तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बोकारो पहुंचेंगे। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री बोकारो जिले के चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र के चंडीपुर के फुटबॉल मैदान में महती जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां 4 विधानसभाओं से अधिक विधानसभा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। हम बात करते हैं सुरक्षा की, तो बता दें कि 5 एसपी, 50 डीएसपी, 150 से अधिक पुलिस अधिकारी, 2000 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती अभी तक की जा चुकी है। इसके अलावा पीएम सिक्योरिटी, एनएसजी स्पेशल ब्रांच, सीआईडी समेत कई सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड की टीम लगातार जांच कर रही है। सुरक्षा को लेकर मीडिया को केवल आज सभास्थल के अंदर जाने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस पर सभास्थल का जायजा लिया हमारे बोकारो ब्यूरो हेड दिनेश पांडे ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपको बताऊंगा, मैं अभी खड़ा हूं बोकारो जिले के चंडीपुर फुटबॉल मैदान में और आप इन पीछे की तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहां कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां आएंगे और यहीं से हुंकार भरेंगे और चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और इस जगह सबसे खास बात है कि 4 विधानसभा यानी 4 विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी और उसके एनडीए समर्थित गठबंधन पार्टी के करीब 4 विधानसभा के कार्यकर्ता यहां मौजूद होंगे, जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के बारे में जानेंगे और कार्यक्रमों को सुनेंगे और प्रधानमंत्री ने क्या बोला वह भी सुनेंगे। लेकिन हम इसके पहले बता दें कि आखिर प्रशासनिक अधिकारियों की क्या यहाँ तैनाती है और किस तरह के सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, तो हम आपको बता दें इसके लिए कि 5 लगभग आईपीएस यानी 5 एसपी तैनात किए जाएंगे और 50 डीएसपी तैनात होंगे और 150 पुलिस पदाधिकारी के अलावे हजारों की संख्या में पुलिस बलों की तैनाती होगी। लेकिन इसके अलावे हम आपको बता दें कि जगुआर, सीआईडी, एनएसजी समेत प्रधानमंत्री के सुरक्षा में लगाए गए सुरक्षा के लोग भी यहाँ अधिकारी भी पहुँच चुके हैं और लगातार जायजे लिए जा रहे हैं। और इसके अलावा डॉग स्क्वाड समेत कई पुलिस के विंग पहुँचे हुए हैं जो लगातार सुरक्षा के लिहाजन जो है चाक चौबंद सुरक्षा रहे और एक परिंदे भी पर मारे, इसके लिए तमाम तैयारियाँ प्रशासन की ओर से भी पूरी की जा चुकी है। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि देखिए इस स्थल पर अब तक की जो सुरक्षा एजेंसियों की, कई विभिन्न एजेंसियों की सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की गई है और इसे ड्रोन, ये पूरे कार्यक्रम की निगरानी जो है ड्रोन भी लगाए जाएंगे। वज्रवाहन मौके पर पहुंच चुके हैं, एम्बुलेंस भी पहुंच चुका है और फायर ब्रिगेड भी पहुंच चुका है। यानी अब प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। हालांकि मीडिया के प्रवेश पर अभी प्रतिबंध लगाया गया है, मीडिया अभी अंदर जाने से मीडिया को रोका गया है। मीडिया को ये कहा गया है कि अगर तैयारी पर आपको खबर बनानी है तो आप बाहर से बनाएंगे और अंदर में कोई भी चीज़ दिखाएंगे नहीं। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिर इस तरह की जो व्यवस्थाएँ की गई है प्रशासन की ओर से, ये बेशक कहा जा सकता है कि चाक चौबंद व्यवस्था है और प्रधानमंत्री को लेकर के कोई भी सुरक्षा में कोई चूक, कोई भी अधिकारी जोखिम उठाना नहीं चाहेगा और लगातार जिस तरीके के व्यवस्था की गई है हम कह सकते हैं कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यानी तमाम सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी है, वह सारे लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन फिर एक बार हम आपको दिखा दें कि देखिए अब पंडाल जो है प्रधानमंत्री के अभिभाषण के लिए, उनके भाषण के लिए पंडाल को भी तैयार कर लिया गया है। अब अंतिम चरण में मामूली थोड़ी सी अगर जो रह गए हैं उनको भी दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, यानी अंदर से एसी वगैरह का जो व्यवस्था है उसको तैनात किया जा रहा है, वो लगाए जा रहे हैं। तो व्यवस्था आप देख सकते हैं कि जिस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के कई कदावर नेता यहाँ पहुँच चुके हैं, वो भी अपने स्तर से देख रहे हैं, तैयारी का जायजा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जयदेव राय जी भी यहाँ मौके पर पहुँचे हैं, यानी तमाम लोग पहुँच चुके हैं। कई पुलिस के बड़े अधिकारी हैं यहाँ, एसपी पहुँच चुके हैं, डीआईजी साहब पहुँचे हैं, उनके अलावे कई विभागों के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और तमाम सुरक्षा की लोग जो है लगातार उसके जायजे ले रहे हैं। निरीक्षण का दौर जारी है, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम एक बार कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री यहां कल जो यहां जनसभा को संबोधित करेंगे उनकी सभी तैयारियाँ पूरी हो गई है। रफ्तार मीडिया बोकारो से दिनेश कुमार पांडे।